1958 से खुला हुआ है। क्या बात है। अच्छा तो क्या क्या आइटम सर्व कर रहे हैं यहाँ पे? हमारे पास कुल्फी है, चाट है, भटूरे हैं। अच्छा और स्पेशलिटी क्या है भी आपकी? कुल्फी है, भटूरे हैं, चाट। अच्छा क्या बात। चलो आज ट्राई करते हैं। थैंक यू भैया। ये क्या खिला रहे हो आज? जो मर्जी खाओ महाराज, 17-18 आइटम है मेरे पास। अरे वेल, क्या क्या है ये बता दो यार। गोलगप्पा, भल्ला पापड़ी, टिक्की, आलू चाट, फ्रूट चाट, सेब पूरी, भेल पूरी, मसाला पूरी, स्टफ गोलगप्पा, क्या टिक्की हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अमित द व्लॉग्स। दोस्तों यार आज मैं भाई आ गया हूँ दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में कहाँ पे आया हूँ बता दो यार। तो आज मैं आया करोल बाग में। तो करोल बाग में आज हम निकले हैं कुछ खाना खाने। शाम का टाइम है, वेदर बहुत औसम हुआ पड़ा। अब देखते हैं यार क्या मिलता है हमें खाने के लिए। ओके आ जाओ, दिखाता हूँ पहले वेदर। देखो आप यार, दोस्तों वेदर देख लो भाई, मजे वाला वेदर है बिल्कुल भाई साहब। मज़ा आ गया वेदर देखकर। भैया मौसम बहुत अल्टीमेट हो रखा है। दोस्तों गाड़ी लगा दी हमने पार्किंग में यार, अब चल रहे हैं कुछ खाने पीने और देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ पे। और आ जाओ दिखाता हूँ आपको अल्टीमेट आइटम भाई, देखते हैं ढूंढते हैं यहाँ पे क्या मिलने वाला। दोस्तों मौसम देख लो यार, पूरा बारिश शुरू हो चुकी है। ये देख लो यार वेदर यहाँ का भाई, लोगों ने छतरियाँ भी बाहर निकाल ली अपनी और मैं यार बिना छतरियाँ घूम रहा हूँ भाई यहाँ पर। ये देख लो वेदर देख लो बॉस। दोस्तों बारिश के मौसम में हम आ गए हैं रोशनदी कुल्फी पे। आप चेक कर सकते हो, रोशनदी कुल्फी पे हम आए करोल बाग के अंदर। तो इसकी लोकेशन यार आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये देख लो आप, पूरी मार्केट है यार यहाँ पे। ये देख लो आप, ये यहाँ से गफार मार्केट है पूरी यार। तो आज हम यहाँ पे ट्राई करने हैं स्पेशली इनका कुल्फी फलूदा यार। तो चल के दिखा रहा हूँ आपको अंदर क्या टेस्ट दे रहे हैं रोशनदी कुल्फी। कुल्फी फलूदा के लिए बहुत फेमस है यार, कुल्फी फलूदा के लिए। तो आ जाओ ट्राई करते हैं रोशनदी कुल्फी की, फेमस कुल्फी फलूदा। आ जाओ दिखाता हूँ आपको। नहीं बोली रोशनदी कुल्फी के बारे में बता दो, कब से खुला हुआ है? 1958 से खुला हुआ है। क्या बात है। अच्छा तो क्या क्या आइटम सर्व कर रहे हैं यहाँ पे? हमारे पास कुल्फी है, चाट है, भटूरे हैं। अच्छा और स्पेशलिटी क्या है भी आपकी? कुल्फी है, भटूरे हैं, चाट। अच्छा क्या बात। चलो आज ट्राई करते हैं। थैंक यू भैया। तो भाई कुल्फी फलूदा की हमने बिलिंग करवा ली है, आप देख लो फेमस चीज़ है यहाँ की। तो हम ट्राई करते हैं कुल्फी फलूदा। भैया लगा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद जी, तो विनोद जी हैं भैया यहाँ पे यार। क्या क्या चीज़ होती है इसमें कुल्फी में? ये केसर पिस्ता है। अच्छा केसर पिस्ता आपकी है, क्या बात। इसके बाद फलूदा पड़ेगा। अच्छा फिर इसके बाद सीढ़ा पड़ेगा। क्या चीज़ पड़ेगा भैया? सीढ़ा। अच्छा चाशनी बोलते हैं इसका। चाशनी। अच्छा उसके बाद में पका फलूदा पड़ेगा। ये क्या चीज़ है भैया? केसर फलूदा। अच्छा केसर फलूदा, क्या बात। तो दोस्तों ये भैया की प्रेजेंटेशन है कुल्फी फलूदा के साथ, जिसका प्राइस है 160 रुपीज़। तो भैया ने रेडी कर दिया भी हमारी यार, देख लो आप ये। दोस्तों कुल्फी फलूदा आ गया हमारा यार, चेक कर लो आप ये। और भैया ने कुल्फी फलूदा लगा दिया हमारा यार, ये देख लो आप, क्या बात। तो दोस्तों रोशनदी कुल्फी की हमारे आ गया है कुल्फी फलूदा, हमने लगवा लिया है। और ये आप देख सकते हो साथ में यार आइटम देख लो आप, साथ में कुल्फी है फलूदा है ऊपर, और बहुत अल्टीमेट लग रहे हैं भैया। खा के देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या टेस्ट दे रहे हैं भैया, और टेस्ट करते हैं भैया। जिसका प्राइस है 160 रुपीज़ है यहाँ पे, और ट्राई करते हैं कुल्फी फलूदा। आ जाओ। अच्छा टेस्ट है भाई, टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है, और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इनका कुल्फी और फलूदा का। तो दोस्तों केसर पिस्ता की है भाई कुल्फी में स्टफिंग कर रखी है केसर पिस्ता की, और भाई टेस्ट वो वाकई बहुत अच्छा है। आप भी आ सकते हो यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन में। आ जाओ।
दोस्तों मैं आज आ गया हूँ यार करोलबाग मार्केट के अंदर, यार देखने चल रहे हैं यहाँ पे कौन सा फूड कहाँ पर है और कितना फेमस है और क्या बेस्ट बेच रहा है अपना। तो आज हम चल रहे हैं करोलबाग के अंदर, यार पहुँच चुके हैं और अब चलते हैं टेस्ट करने को, कुछ एक नया आइटम आ जाओ दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों करोलबाग आए थे और करोलबाग आए हैं और के बी चाट पीना है यार, मूंगलेट का चिल्ला खाना है यार, देखो स्पेशली आइटम है यार यहाँ पे करोलबाग का, फेमस नाम है के बी चाट। तो आज लेके चल रहा हूँ आपको के बी चाट पे, आ जाओ मेरे साथ और चाट ट्राई करते हैं। मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे, इसका एक ब्लॉग पहले भी आ चुका है, अगर किसी भाई बहन ने नहीं देखा हो तो जाके रिक्वेस्ट है ज़रूर देखना और लाइक करना शेयर करना, ठीक है। आ जाओ दिखाता हूँ के बी चाट। तो दोस्तों ये है केबी चाट, आप देख सकते हो यार ये केबी चाट करोलबाग चाट वाले, तो यार बहुत फेमस नाम है इनका करोलबाग चाट वाले का। तो चल के भैया से बात करते हैं, मैं पहले भी आया था भैया से और भाई बहुत अल्टीमेट आइटम है, आइटम चेक करते हैं भैया का जो है, स्पेशली चिल्ला खाने आया हूँ मैं भैया का और इनकी खजूर वाली चटनी, तो यार वो बहुत मस्त ट्राई बनती है, आप भी आओ और ट्राई करो यार। दोस्तों इस भीड़ को देख के आइडिया लगा लो यार क्या है केबी चाट वाले और यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, एक मूंगलेट खाने के लिए भाई दुनिया बड़ी दूर दूर से आती है इनके पास। और इनकी स्पेशलिटी है छोले टिक्के भी यार, आज हम वो भी ट्राई करने वाले, गाड़ी में करेंगे टेस्ट को बाद में, ठीक है ना। और अभी देखते हैं मूंगलेट को ट्राई करते हैं क्योंकि यार जल्दी जल्दी ब्लॉग बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों भैया के पास फिर से आ गए हैं आज यार, बहुत टाइम बाद आए हैं भैया के पास, तो भैया से पूछते हैं आज क्या स्पेशली क्या आइटम है और क्या खिला रहे हैं आज भैया, क्या खिला रहे हो आज? जो मर्जी खाओ महाराज, 17-18 आइटम है मेरे पास। अरे बेल क्या क्या है ये बता दो यार। गोलगप्पा, भल्ला पापड़ी, टिक्की, आलू चाट, फ्रूट चाट, सेब पूरी, भेल पूरी, मसाला पूरी, स्टफ गोलगप्पा, टिक्की, टिक्की छोले और आलू छोले की चाट है, आलू मटर कुलचा है, आलू शकरकंदी चाट, खाली शकरकंदी की चाट है, स्प्रिंग रोल है, मूंगलेट है और फ्रूट चाट है बेस्ट हमारी, बहुत सारी आइटम है। मैं मूंगलेट खाने आया था, एक आपने आइटम बताया छोले और टिक्की, छोले टिक्की है ना, एक यार वो पैक करके दो मुझे, रास्ते में खाएंगे, ठीक है ना। अच्छा वो हाफ प्लेट बनानी है फुल प्लेट बनानी है? हाफ ही कर दो यार, ठीक है। लोकेशन वो बता दो दोबारा से। लोकेशन है करोलबाग मेट्रो स्टेशन से जब मार्केट के अंदर आते हैं, हाँ जी, तो मंदिर पार करने के बाद तीसरे हाथ की तीसरी गली, क्या सीधे हाथ की तीसरी गली। अच्छा जी, चलो ठीक है। और भैया जोमेटो स्विगी पे होना? बिल्कुल जोमेटो है। चलो ठीक है। और टाइमिंग क्या भैया की? टाइमिंग है दोपहर 1 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ओके थैंक यू भैया, वेलकम। हेलो भैया, क्या हाल है? बढ़िया भैया। एक यार मूंगलेट बनाना है जबरदस्त वाला, ठीक है, और क्या क्या डालोगे वो बता दीजिए। ये मूंग दाल का पेस्ट है। अच्छा, ये मूंग दाल का है, इसमें क्या बेसन में मिक्स होता है भैया? नहीं भैया, मूंग दाल है, ओनली मूंग दाल है। क्या ये ऑनियन? अच्छा, कॉर्न, कैप्सिकम। क्या बात, ये क्या चीज़ है भैया? ये मीठा सोडा। मीठा सोडा है, तो भैया ने विश कर दिया भैया पूरे बैटर को, अब देखते हैं भैया भैया ने डाल दिया बटर इस पे। भैया कौन सा बटर यूज करते हो? अमूल लगा। अच्छा जी, भैया ने अमूल बटर में तड़का लगा दिया भाई, इसका पूरा बैटर इसमें डालकर रेडी कर रहे हैं भैया मूंगलेट। क्या बात है, ये ग्रीन कोरिएंडर भैया? हाँ जी। क्या बात है, तो दोस्तों रेडी हो रहा है हमारा यार शायद गीला मूंगलेट, तो भैया यार अच्छा था, गीला पड़ा बहुत मूंगलेट से पड़ गया। लो दोस्तों हमारा भी मूंगलेट हो रहा है रेडी, ये साथ में खजूर की चटनी है ना आपकी, वो देना यार, अरे स्पेशली वही चटनी खाने हैं भैया हम तो, लास्ट टाइम मैंने खाया था बहुत अल्टीमेट चटनी बनाता हूँ यार। तो दोस्तों रेडी हो गया हमारा मूंगलेट यार, देख सकते हो आप भैया ने कटिंग कर दी है, ठीक है जी भैया। अच्छा पूरा तड़का लगाया तो बटर का है, क्या बात है, तो दोस्तों हमारा मूंगलेट हो रहा है लास्ट, इसको बटर डाल के तड़का लगा दिया इसका और अब भैया रेडी कर रहे हैं मूंगलेट। तो दोस्तों पूरा क्रिस्प हो चुका है देखिए यार हमारा मूंगलेट, आप देख सकते हो पूरा भाई मस्त हो गया है, क्या बात है।
धनिया लगे हुए हैं पूरे यार। दोस्तों देख लो भैया कैसे रेडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन का तरीका देख लो भैया का यार, पूरा क्रिस्प करके चीज़ को बनाते हैं। और भाई रेडी हो गया हमारा, हो गया ना भैया, क्या बात है, देख लो आप। साथ भैया चटनी खजूर की चाहिए भाई, और कुछ भी मत दो भैया चटनी, चलो दे दो दे दो, दे दो। क्या क्या ये एक ग्रीन चटनी आपकी, अच्छा जी ये खजूर की चटनी है भैया आपकी, क्या बात है, लो भैया हो गया रेडी, ठीक है थैंक यू। कितने? तो दोस्तों हमारा हो गया चिल्ला रेडी यार। दोस्तों देख लो चिल्ला हो गया रेडी यार, क्रिस्पनेस देख लो आप चिल्ले की, शायद ही कहीं मिलेगी भाई ये जो क्रिस्पनेस है ना चिल्ले की। और साथ ही चटनी भैया की खजूर की चटनी है, बहुत अल्टीमेट टेस्ट है ये भाई, ट्राई करते हैं चटनी को भी और विद मुंगलेट। तो दोस्तों मुंगलेट चिल्ला आ गया हमारे यहाँ देख सकते हो आप, और भाई साथ में ये जो चटनी है ना भैया की खजूर वाली चटनी, ये बहुत अल्टीमेट टेस्ट देती है। और आज भी ट्राई करते हैं कि क्या टेस्ट दे रहे हैं भैया मुंगलेट चिल्ले के अंदर और विद क्या खजूर वाली चटनी, यार जो स्पेशली मैं यहाँ पे खाने आया हूँ। ये आप देख लो यार ये फ्लफीनेस देख लो आप, यानी ये चिल्ले के अंदर शायद ही कहीं मिलने वाली है। और आइटम इसमें कैप्सिकम है, कैरेट है और भाई प्याज भी है, टेस्ट आप आगे ट्राई करना, बहुत अल्टीमेट टेस्ट है। लोकेशन भैया ने बता ही दी है पूरी, ठीक है, और यार ट्राई करते हैं खजूर वाली चटनी के साथ भैया का टेस्ट, क्या बात है भाई, थिकनेस जो है ना चटनी की अल्टीमेट, ये देख लो आप, देखा वाह, मैंने घर पे भी ट्राई किया नहीं बन पाया भाई, उनका अलग ही रेसिपी है, कोई अलग ही फंडा है, टेस्ट बहुत अल्टीमेट है। आप भी आ सकते हो यहाँ पे करोड़ बाग के अंदर, लोकेशन भैया ने बता दिया। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ख़त्म करता हूँ यार, और भी उनकी छोले टिक्की आपको रिव्यू ज़रूर दूंगा उसका, ठीक है, बाकी आप भी आगे ट्राई करना। तो टिक्की हो रही है हमारी रेडी, में हाफ प्लेट पैक कराने के लिए बोला भैया को, और भैया कर रहे हैं पैकिंग, ये आप ही करोगे क्या? तो भैया दोस्तों ये आलू की टिक्की है, अच्छा जी, इसमें डालेंगे चने, ये चने के दाल स्टफिंग है और मसाले होते हैं इसमें, अच्छा तो भैया डालते हैं चने यहाँ पे, अच्छा जी चने, अब डालेंगे पुदीना और हरी चटनी, अच्छा जी हरे धनिया की, अमचूर की चटनी, हैंडमेड है भैया, हाँ जी, और डालेंगे कर्ड दही, अच्छा ये टिक्की हो गई, मिक्स कर दो सब, हैं हाँ छोले के साथ ही, और ये ऑनियन, ये आ गया ऑनियन, और ये पर डाल दिया अनार, वाह भैया थोड़ी डेकोरेशन कर दी, अरे रेडी हो गई भैया, अब ये टिक्की हो गई आपकी रेडी, क्या लाओ भैया थैंक यू। तो दोस्तों ये आ गया देख लो आप यार, हमने मंगाए टिक्की छोले की प्लेटर भी आएगा, चलो करते हैं ट्राई, चलते हैं गाड़ी में करते हैं ट्राई यार, ठीक है पैक करा दो यार मैं, चलो भैया पैक कर दो। तो दोस्तों टिक्की आ गया, टिक्की कर दे ट्राई, टिक्की का टेस्ट करके बता रहा हूँ आपको टेस्ट कैसा है भैया। भाई छोले और प्रॉपर देख लो स्टफिंग पूरी भर रखी है भाई, हाफ प्लेट ये सिर्फ हमने और हाफ प्लेटर में डाल के भैया ने दी है। और टेस्ट करते हैं छोले का पहले, और साथ इसमें चटनी भी डली हुई है, और टेस्ट करते हैं ये देख लो, टेस्ट करते हैं आ जाओ, अच्छा टेस्ट है भाई छोले का भी, मस्त है भाई नो डाउट। तो दोस्तों केबीजेट ऐसे मशहूर नहीं है भाई, तो कोई ना कोई बात है भाई, छोलों के अंदर भी अल्टीमेट टेस्ट है, आप भी आकर ट्राई कर सकते हो।
ओके, तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यार यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और दोस्तों वीडियो को प्यार दिल से देना, और मेरे चैनल अभी तक ब्लॉग सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। ठीक है, ओके, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, बाय बाय।